अभी आपको देखिए कीवर्ड रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है सैमरस के ऊपर, तो अभी ओपन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा लोड हो रहा है, हो गया ओपन। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, और आपको कीवर्ड नहीं मालूम है तो आप डोमेन ओवरव्यू पे जाके अपने कीवर्ड ले सकते हो किसी रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि आपके कोई अमेजोन है तो अमेजोन के आप वेबसाइट का यूआरएल डालिए यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू में, और वहाँ से जाके आपको मैंने जो आगे बताया उस तरह से आप वहाँ से कीवर्ड ले सकते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कीवर्ड। तो अभी जैसे कि यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे मूवी लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ही ले रहा हूँ मूवी, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अभी ये सब कीवर्ड ओवरव्यू बता रहा, ठीक है। आगे देखा वो डोमेन ओवरव्यू था, अभी ये कीवर्ड ओवरव्यू में आया, ठीक है। तो देखिए इस कीवर्ड की वॉल्यूम है 2.7 मिलियन, ठीक है, मूवीज़ के रिलेटेड पूरे ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड वाइड में 7.2 मिलियन सर्चेज होते हैं मंथली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूएसए में सबसे ज़्यादा, फिर इंडिया है, फिर अलग अलग है साइड, ठीक है, पाकिस्तान, फिलीपींस। तो और यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्ट है, ठीक है, यहाँ पे 100% है, वेरी हार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो नई वेबसाइट होगी उनके रैंक होने की चांस बहुत कम है, यहाँ पे पूरी 100% है। अगर आपको यहाँ पे येलो या ग्रीन का ऑप्शन देखने को मिले तो ही आप इस रिलेटेड बनाए, वरना तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए ये 1, 2, 3 मूवी सोनिक कोई है तो यहाँ पे ग्रीन बता रहा है, यानी कि 18% पे बता रहा है, 18 पे बता रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपके ट्रैफिक इसकी ज़्यादा है, और बनाने वाले जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो बहुत कम है। तो यहाँ पे एक आपको ये चांस मिल गया है कि आप इस रिगार्डिंग बना सकते हो, ठीक है। अभी ये कौन सा कीवर्ड है, क्या है, वो आप भी देख लेना, ये पता नहीं, ठीक है। और इसमें देखिए इंटेंट वो भी आपको मैंने सब आगे बताया, कॉमर्शियल वगैरह, इन्फॉर्मेशनल वगैरह, तो वो देखिए यहाँ पे कॉमर्शियल बता रहा है। ट्रेंड यहाँ पे देखिए, ट्रेंड इस कीवर्ड का कैसे चल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड एक ऐसे चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। CPC कोस्ट पर क्लिक यहाँ पे $0.91 है, ठीक है। और ये है अपने कंपिटिटर बिटमिन वगैरह कोई है तो ये आपके लिए एक ज़रूरी है CPC, ठीक है। अपने ट्रेंड की बात कर ली, अभी ये देखिए कीवर्ड वेरिएशन क्वेश्चंस और रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो ये होते हैं इस कीवर्ड के वेरिएशन, यानी कि मूवी जो हम कीवर्ड डाला है उसके रिगार्डिंग और कौन कौन से कीवर्ड है तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस है अपने, जो लोग पूछते हैं कि हाउ टू वगैरह, आपको आपने सुने होगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये सब क्वेश्चंस ही है, वो कैसे बनाए, वो कैसे करें, तो वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस मूवी रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखिए विल स्मिथ मूवीज, विल फेरल्स मूवीज वगैरह है, तो ये लोग क्वेश्चंस करें। और क्वेश्चंस का भी देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बता रहा है, यानी कि कितने ट्रैफिक है मंथली इसमें, और कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये भी बता रहा है साथ में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए एक तो रेड होता है, एक फुल रेड होता है, और एक ऑरेंज और ग्रीन। तो आपको जो ग्रीन होता है उसकी रिगार्डिंग है आपको जो बनाना है, वरना आपके ये रैंक नहीं कर पाएगा आपके, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑथेंटिक साइड होगी वो सबसे पहले यहाँ पे रैंक होगी, उनका ऑथोरिटी स्कोर ज़्यादा होगा, वो सबसे पहले रैंक होगी, ठीक है। और अभी हमें यहाँ पे देखिए SERP एनालिसिस, यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट में है ये Fandango.com, YouTube.com, Netflix वगैरह, तो ये आप यहाँ से वेबसाइट पे जाके देख सकते हो किस रिलेटेड कैसे बना रही है ये मूवी में ये, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने वेबसाइट भी देख सकते हो, टॉप 10 में बता रही है यहाँ पे, 11 to 20 यहाँ देख सकते हो, 21 to 30 देख सकते हो, इस तरह से ये भी देख सकते हैं यहाँ पे PLL कॉपीज, ये कीवर्ड एड हिस्ट्री, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एड्स यहाँ पे इतने चल रहे हैं, ठीक है। और बस इतना ही डेटा आ रहा है इसमें, ये भी काफ़ी, ये बहुत ही डेटा है, ये बहुत सारा है ये भी। तो अभी आपको देखिए कीवर्ड हो गया हमारे, अभी आपको डेस्कटॉप लैपटॉप दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको ये रहने देना है। यहाँ पे तारीख बता रही है, ठीक है, अपने डेट बता रही है, यहाँ पे कंट्री, तो यहाँ से कंट्री तो हमारा सिलेक्ट है ऑलरेडी। तो अभी यहाँ से देखिए आपको जाना है व्यू ऑल, यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारा कीवर्ड का डेटा मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको डोमेन ओवरव्यू में बताया था मैंने आपको कि कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, वो इस रिलेटेड आपको वहाँ डोमेन ओवरव्यू में जाके वहाँ जो नीचे ऑप्शन बता रहा है अभी मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है, साथ में। तो अभी यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके का डेटा आ रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। मैं तो आपको इतने सारे देख के आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए हमारा कीवर्ड आ गया मूवीज़, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑल और एक एक क्वेश्चन हमें ऑल रहने देना है, ठीक है। ये ब्रॉड मैच, यहाँ पे फ्रेश मैच,
अपने एग्जिट मैच और रिलेटेड, ठीक है। तो मैं बोर्ड मैच से रखना है, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी जितने अलग अलग है मूवीज़ के वो आए, ठीक है। लैंग्वेज रहने देना है। फिर ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर की हमें ज़रूरत हो तो लगा देना है, वरना रहने देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर मूवीज़ में, मूवीज़ सबसे ऊपर है। इसकी वॉल्यूम, इसकी मंथली ट्रैफिक है 27,40,000, ठीक है, 2.7 मिलियन। ट्रेंड कुछ इस तरीके का रहा है इसका। कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पे 100 है। CPC है 0.9। ये कुछ देखो अपना रे अपने काम का नहीं है, ठीक है। और ये सर्च रिजल्ट पेज इंजन जो अभी आपको बताया वो फ्यूचर, ठीक है। और ये रिजल्ट यहाँ पे 0 बता रहा है। और ये लास्ट अपडेट हुआ 3 वीक के अंदर। तो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तो कीवर्ड, एक वॉल्यूम, एक ट्रेंड और ये यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखिए और आपको इस रिलेटेड, जैसे कि फुल मूवी, डाउनलोड मूवी, ऑनलाइन मूवी, आपको ये ऑप्शन साथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस अभी आपकी देखिए यहाँ पे मूवी के साथ फुल लगाओ तो यहाँ पे इतने आपके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 28,34,000 इस रिलेटेड। ऑल कीवर्ड यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने हो रहे हैं हमारे, 2 करोड़ के आसपास हो रहे हैं यहाँ पे ऑल कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड बहुत सारे यहाँ पे इतने हैं, 367 मिलियन यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है। एवरेज केडी है 44% है। तो अभी आपको देखिए कीवर्ड कैसे फाइंड करना है इसके ऊपर, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए केडी, जो केडी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जो अभी यहाँ पे देखिए क्या होगा, फिल्टर एक इसी का फिल्टर ऐड हो जाएगा। अभी जो जो हाई में होंगे वो ऊपर आ जाएंगे सब, ठीक है। अभी 100 वाले सब ऊपर आ गए। अभी इसे वापस एक बार क्लिक करना है, तो जो 0% वाले होंगे, जो ग्रीन वाले होंगे, वो सब पहले यहाँ शो होने होंगे हमें यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए शो हो रहे ग्रीन वाले। यहाँ पे देखिए ये कीवर्ड है यहाँ पे 30 वॉल्यूम है, 0 KD, यानी यहाँ आप इस पर बना सकते हो, ठीक है। इस पर कोई KD नहीं, यहाँ पे पूरा ग्रीन है, यहाँ पे 0% है। तो इस पर किसी ने नहीं बनाया, यहाँ पे 30 लोग सर्च कर रहे हैं और इसका ये कीवर्ड है और 0 KD है, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसमें ढूंढ सकते हो, वरना आप जैसे स्क्रॉल डाउन करके आप ऐसे 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 ढूंढोगे यहाँ पे, तो आपको 2 लाख देखने पड़ेंगे कीवर्ड हाउस में, ग्रीन कौन सा है, रेड कौन सा है, आप देखोगे और आप इस रिलेटेड आपको नहीं मिले। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, आपको KD पे आके डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये अप टू डाउन करना है, ठीक है, सॉरी डाउन, पहले डाउन सबसे जैसे कम और फिर हाई बताया तो वो लास्ट में। तो अभी हमने सबसे कम पहले देखने का शो किया यहाँ पे, ठीक है। और अभी आपको देखिए वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक किया हमने, अभी वापस करते हैं तो वापस वो ग्रीन ग्रीन नहीं आएगा यहाँ पे, अभी रेड का ऑप्शन आएगा देखिए यहाँ पे। तो वॉल्यूम आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको KD आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपको KD सबसे पहले, अगर आपको कीवर्ड कम अपने जैसे KD कम है, कोई इसके ऊपर बना नहीं रहा है कंटेंट के ऊपर, तो आपको KD सबसे कम लेनी होगी। KD मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी, वो आपको ज़्यादा होगी तो आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप अगर आप बना भी लोगे तो भी आपके ये रैंक में नहीं आएगा। तो KD जो इसमें कम होगी, ग्रीन में होगी, तो आपके लिए अगर चांस हो गए कि आप इसमें रैंक में आ सकते हो, वरना ये जो रेड है, ग्रीन है, सॉरी रेड है, लाइट रेड है और वापस से ऑरेंज है, तो इसमें आपके कम से कम चांस होंगे कि आप इसमें रैंक कर पाओ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, आप KD पे 2 बार क्लिक करके सबसे कम वाले सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद इतना कोई आपके लिए है नहीं यहाँ पे, कोई खास नहीं है देखने के लिए। हमें 3 ही है, कीवर्ड, वॉल्यूम और ट्रेंड हम देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड के रिलेटेड ही मैं आपको बनाना कि भाई ट्रेंड कैसा है, लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेंड उसके लिए काम में आता है, ठीक है। और उसके बाद KD यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए अभी फुल, अगर हम फुल पे क्लिक करें यहाँ पे, तो अभी ये ग्रुप में आ गया फुल, ठीक है यहाँ पे। तो ये देखिए अभी रिजल्ट आ रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए स्पाइडरमैन ऑन नो वे होम फुल मूवी, ठीक है, अभी फुल लग गया मूवी के आगे। तो ये फुल मूवी रिलेटेड कितने कीवर्ड्स है वो सब यहाँ शो होंगे। अभी डाउनलोड मूवी, जैसे कि अभी डाउनलोड जुड़ जाएगा तो मूवी के आगे, तो मूवी डाउनलोड, ऑनलाइन मूवी, फिर ये फ्री जुड़ जाएगा तो फ्री मूवी, वॉच मूवी, हिंदी मूवी, ऐसे ऐसे आपको ये कीवर्ड अपने रिलेटेड कीवर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है, बाय नंबर और बाय वॉल्यूम, ठीक है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे भी आपके ये इतना ही है
कीवर्ड आपको इस तरह से फाइंड करने यहाँ पे आके, ठीक है। भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको जो ग्रीन होता है उसके ऊपर आप अगर फर्स्ट टाइम में काम करें, आप बिगिनर हो तो आपको ग्रीन लेना पड़ेगा, वरना आपके ये रैंक होने में काफ़ी दिक्कत होगी। और एक और आइडिया बता देता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम। और जैसे कि हम वॉल्यूम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी जैसे कि हम जैसे बना तो रहे, जैसे कि एक 10-20 लोग देख रहे हैं, तो उसमें आपके कोई रैंक में आने का, रैंक में भी आ जाए तो भी 30 लोग देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी एक और आइडिया देता हूँ मैं आपको। अभी यहाँ पर देखिए, अभी वॉल्यूम को आपको क्या करना है, यहाँ से 10,000 से लेके 1,00,000 के बीच में सर्च करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और केडी में आपको वेरी इजी या फिर इजी रख सकते हो, ठीक है, वेरी इजी यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमने दो फिल्टर लगाए यहाँ पे, ठीक है। अभी कितने रिजल्ट आते हैं देखने को मिलेंगे, अभी केवल एक रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 12,100 वॉल्यूम है यहाँ पे, 14 केडी यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर आप बना सकते हो, लेकिन इसका ट्रेंड बिल्कुल नहीं है अभी। तो अभी यहाँ से इसे कैंसिल करें और वॉल्यूम पे क्लिक करें, 101 से लेके 1,000 तक देखें। अभी देखिए यहाँ पे, ये आपके अभी आपको इस तरह से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अभी बनाने के लिए आपको कीवर्ड रिलेटेड में ये देखिए, ग्रीन में आ रही केडी, ठीक है, अभी सब ग्रीन में आ रही है। 6 है, 11 है, 4, 14 है, 7 है, 14 है, 30 है, और 1,000 सबके ऊपर ये है अपने वॉल्यूम में, यानी कि 1,000 सर्च आ रहे हैं। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी काफ़ी कम है, वेरी इजी है यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे कीवर्ड ये जो फिल्टर लगाया वेरी इजी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी यूज कर सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप ये ढूंढ सकते हो, यहाँ पे 1, 2, 3 मूवी लव, ये 7-star HD मूवी है, तो यहाँ पे 11 है केवल और 1,000 वॉल्यूम है। तो ये आपके ऊपर, ऐसे आप इनके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे ऐसे कीवर्ड लेते हो वेरी इजी वाले और उस पर वॉल्यूम भी है, तो आपके जैसे कि आपने 10-20-50 पोस्ट बना दिए, तो आपके धीरे 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 वो गूगल में रैंक होने लगेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपकी ऑथोरिटी स्कोर बढ़ जाता है, तो उसके बाद आप कीवर्ड जो भी जैसे कि अपने ऑरेंज है, रेड है, वो लोगे तो भी आपके धीरे धीरे उसमें भी रैंक होने लगेगी। इस तरह से आपकी वेबसाइट फिर धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। तो ये कीवर्ड को इस तरह से आपको यूज करना है, फाइंड करना है, ठीक है। आपको दो ऑप्शन लेने हैं, अगर आपके 1,00,000 के ऊपर भी मिल जाए तो ठीक है, वरना आपको 101 से 1,000 तक सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। और वेरी इजी आपको करना होगा अगर आप बिगिनर हो। अगर आपकी कोई वेबसाइट है कोई 5-6 महीने पुरानी, तो आप यहाँ से ये केडी में जाके इजी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे और भी कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे और इस रिलेटेड। तो इस तरह सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कीवर्ड पे आना है, यहाँ पे कीवर्ड लिखना है और ये सब डैशबोर्ड में कीवर्ड ऑफरिंग पे आए थे पहले भी, आपको ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। भी देखिए, ये कीवर्ड ओवरव्यू आ गया। अभी यहाँ पे मैंने आपको कहा था SEO, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए SEO, यहाँ पे क्लिक करके डोमेन ओवरव्यू का बता दिया मैंने, अभी कीवर्ड ओवरव्यू बता दिया है। तो आपको जो डोमेन ओवरव्यू है यहाँ पे आपको ऐसे का ऐसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अभी आप, अभी हमने जो डेटा निकाला उस पर आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, पहले आपको ये सब देख लेना है, ठीक है, ट्रेंड देख लेना है, अपने कीवर्ड वॉल्यूम देख लेना है। यहाँ से आपको डिफ़िकल्टी कम मिले तो भी आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ना मिले तो आपको सिंपल ये भी जो हमने बताया वो ये, यहाँ से ये क्लिक करना है और आप इस पर आ जाओगे, ठीक है। अभी हमारा डेटा जो शो हो रहा था अभी वो ये, ठीक है, अभी ये जो डेटा है शो हो रहा है यहाँ पे, तो बस वहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। और अभी मैंने जो बताया वो यहाँ पे आप ऐसे यूज करके कीवर्ड फाइंड कर सकते हो अपने इजी रैंक के लिए, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें वीडियो में इतने बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और जो भी यहाँ पे देखिए बहुत सारे और भी ऑप्शन है, अगर आपको इस रिलेटेड भी जानना है कि इसे कैसे यूज करना है, तो आप कमेंट में बताना, तो मैं उस रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा बन चुका है। अभी कीवर्ड के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज हुआ होगा, तो ये आप इस तरह से आप इसे कीवर्ड को यूज करना है, ठीक है। और बाकी ये जो है वो आपको मैंने बताई दिए है थोड़े बहुत, तो और इससे डीपली जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तो उसके रिलेटेड और भी वीडियो आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप कीवर्ड यूज करके अपने कंटेंट बना सकते हो, वो भी आप इसमें गूगल में आपको इस तरह रैंक करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने सेमरस के ऊपर, ठीक है। अभी ये जो सेमरस टूल है, मैंने यहाँ से इसको आप कैसे लोगे, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत महंगा है, तो इस रिलेटेड जल्दी दूसरी वीडियो आने वाली है SEO टूल अड्डा के बारे में। वहाँ से आप केवल इसे
₹300 में महीना ले सकते हो, ठीक है, और इतने सारे डेटा निकाल सकते हो। तो जल्दी वो वीडियो आएगी, आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो गया कि आपको मैंने पहले नहीं बताया, अभी बताया है कि ₹250 में आप ये मंथली ले सकते हो, ठीक है। ये जो सैमरस का अपने अपने पूरी वेबसाइट है, अपने पेड वेबसाइट है, वो ₹250 में मंथली आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो, और मैं जो आगे वीडियो बताने वाला हूँ SEO टूल रिलेटेड, वो भी आप ज़रूर देखना। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, और इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो इसमें आपको समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके बताना, तो आपको वहाँ पे मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो भाई जो मैंने आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, बेल आइकन पे ऑल को सिलेक्ट करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आए फर्स्ट आपको देखने को मिले। तो फिलहाल वीडियो में इतने, वीडियो देख लें दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।